हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी टीचर्स का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई पाठशाला फेज फाइव के पांचवें सप्ताह के रजिस्टर की। फेज फाइव का जो है पांचवा सप्ताह पूरा हो चुका है, तो हमें रजिस्टर में कौन कौन सी गतिविधि लिखनी है, रजिस्टर का क्या प्रारूप होगा, इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको फेज फाइव के किसी भी सप्ताह की योजना या रजिस्टर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ई पाठशाला फेज फाइव के पाँचवें सप्ताह का रजिस्टर 2 तारीख से 8 तारीख तक के लिए बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका प्रारूप देखते हैं। तो इसमें पहला कॉलम है दिनांक, दिन, दूरदर्शन पर प्रसारित प्रोग्राम, साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत ई कंटेंट और कहानी संग्रह। आओ अंग्रेजी सीखो, ये अंग्रेजी का एपिसोड है। उसके बाद बच्चे का नाम, जिनको वर्कशीट दी गई, तो आप जिन बच्चों को डेली वर्कशीट देते हैं उन बच्चों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है अभिभावकों के नाम, जिनको प्रेरणा लक्ष्य ऐप, री रेलोंग ऐप, दीक्षा ऐप और क्विज का डेमो कराया। मोहल्ला क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के नाम, तो जो बच्चे मोहल्ला क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। मोहल्ला क्लास में कराए जाने वाले कार्य, तो मोहल्ला क्लास में जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी एपिसोड का हो, साप्ताहिक कंटेंट का हो, या कहानी संग्रह का हो, या अभ्यास कार्य हो, तो वो कार्य आप मोहल्ला क्लास में लिखेंगे। तो अब हम कक्षा एक का रजिस्टर देखते हैं। 2 तारीख, दिन सोमवार, दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम प्रसारित नहीं हुआ और साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत को अंक आह अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढना, सोमवार की कविता, संख्या फ्रेम के साथ 1 से 5 तक की गिनती, संख्या और वस्तुओं को मिलाना, और एपिसोड 50, बच्चे के नाम, जिनको वर्कशीट दी गई, तो इसमें आपको बच्चों के नाम लिखने हैं जिनको वर्कशीट आपने दी। मोहल्ला क्लास में कराए जाने वाले कार्य, अक्षरों को लिखने का अभ्यास कराया, सोमवार की कविता मोबाइल पर दिखाई। तो मोहल्ला क्लास में आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं, चाहे वो साप्ताहिक कंटेंट की हो, अंग्रेजी एपिसोड की हो, या आपने कोई अभ्यास कराया, या आपने गृह कार्य दिया, वो सारी एक्टिविटी आपको मोहल्ला क्लास में लिखनी है। उसके बाद 3 तारीख मंगलवार में हिंदी विषय के अंतर्गत बाघ एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और कहानी संग्रह में वे हंस दिया और चांद का तोहफा, अंग्रेजी एपिसोड 51, 1 से 5 तक की गिनती लिखने का अभ्यास कराया। बुधवार में गणित विषय में तालाब और साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत ओह अंक आह अक्षरों को लिखना, कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत करना, 6, 7, 8, 9 संख्याओं को मिलाना, 6 से 10 तक संख्याओं से चित्र बनाना, एपिसोड 52, आज की गतिविधि मोबाइल पर दिखाई तथा गृह कार्य दिया। गुरुवार में कोई एपिसोड नहीं और कहानी संग्रह में नया नवेला मौसम और दूसरी कहानी है टक टक, एपिसोड 53, मोहल्ला पाठशाला में जो है री रेलोंग ऐप पर आज की कहानी दिखाई। शुक्रवार में कोई एपिसोड नहीं और कहानी को अंक आह अक्षरों के साथ वस्तुओं को आकर्षित रंग देना, जादुई बीच की कहानी, तो ये साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत है, और अंग्रेजी एपिसोड 54, मोहल्ला पाठशाला में जो है जादुई बीच की कहानी मोबाइल पर दिखाई तथा अभ्यास कार्य कराया। शनिवार में कोई एपिसोड नहीं और साप्ताहिक विज एपिसोड 55 और मोहल्ला क्लास में वर्कशीट दी तथा साप्ताहिक विज में प्रतिभाग कराया। तो जो भी एक्टिविटी आपने मोहल्ला पाठशाला में कराई, चाहे वो क्विज की हो, या आपने कोई अभ्यास कार्य कराया, या कोई गृह कार्य दिया, या गतिविधि भी करा सकते हैं आप कोई सी भी, तो उसके अनुसार आप इस कॉलम को भरें। रविवार में इंग्लिश एपिसोड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो रविवार में तो मोहल्ला पाठशाला में आपको कुछ लिखना ही नहीं है, रविवार में मोहल्ला पाठशाला बंद रहती है, दूरदर्शन के प्रोग्राम जो है रविवार में भी आते हैं। अब हम कक्षा 2 की एक्टिविटी देखते हैं। सोमवार में गणित विषय में नाप जोक, और ये साप्ताहिक गतिविधि कक्षा 1 और 2 की एक जैसी हैं, और मंगलवार में
गणित विषय में हमारी संख्याएं और रीड अलोंग वे हंस दिया और चांद का तोहफा, अर्थात रीड अलोंग की जो है चार कहानी है। तो इसमें दो कहानी हमने मंगलवार में लिख दी है और दो कहानी हमने गुरुवार में लिख दी है। तो हम अब बुधवार की एक्टिविटी देखते हैं। बुधवार में गणित विषय में छोटी बड़ी संख्याएं, ये प्रोग्राम दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और साप्ताहिक कंटेंट जो है कक्षा एक और दो का एक जैसा है। गुरुवार में कोई एपिसोड नहीं, शुक्रवार में कोई एपिसोड नहीं, शनिवार में हिंदी विषय में नाव चली और साप्ताहिक क्विज, रविवार में दो प्रोग्राम दूरदर्शन पर प्रसारित हुए। पहला प्रोग्राम था इंग्लिश विषय में लेट्स स्पीक और दूसरा प्रोग्राम भी इंग्लिश का ही था शेप्स एंड कलर्स। अब हम कक्षा तीन की एक्टिविटी देखते हैं। तो 2 तारीख में दिन सोमवार इंग्लिश विषय में लेट्स डू सम एक्शन और साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत हिंदी विषय में त्यागी पेड़ की कहानी और गणित विषय में जोड़ और घटाव का संबंध। मोहल्ला पाठशाला में जो है दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। मंगलवार में गणित विषय में संख्याओं का घर और रीड अलोंग की कहानी जो है सभी कक्षा की एक जैसी हैं। बुधवार में गणित विषय में संख्याओं का घर और साप्ताहिक कंटेंट में हिंदी विषय में 4 अक्षर वाले शब्द और गणित विषय में 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। मोहल्ला पाठशाला में रीड अलोंग पर आज की कहानी दिखाई। गुरुवार में हिंदी विषय में चांद का कुर्ता और एपिसोड 53 मोहल्ला पाठशाला में आज की गतिविधि मोबाइल पर दिखाई, गृह कार्य दिया। शुक्रवार में 2 प्रोग्राम दूरदर्शन पर प्रसारित हुए। पहला प्रोग्राम हिंदी विषय में सीख और दूसरा प्रोग्राम गणित विषय में भिन्न और साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत आ की मात्रा के वाक्य एवं अभ्यास और गणित विषय में 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। और मोहल्ला क्लास में अंग्रेजी एपिसोड मोबाइल पर सुनाया। कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अंग्रेजी एपिसोड मोबाइल पर दिखाया। अंग्रेजी एपिसोड मोबाइल पर दिखाने ये नहीं लिखना है, क्योंकि अंग्रेजी एपिसोड में कोई वीडियो नहीं होती, उसमें सिर्फ वॉइस होती है। तो आपको लिखना है अंग्रेजी एपिसोड मोबाइल पर सुनाया। शनिवार में हमारा परिवेश के अंतर्गत स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे और साप्ताहिक क्विज मोहल्ला क्लास में जो है वर्कशीट दी तथा साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग कराया। रविवार में अंग्रेजी के 2 एपिसोड, पहला एपिसोड अर्ली टू बेड और दूसरा एपिसोड टी पोर्ट। इसी प्रकार कक्षा 4 की एक्टिविटी। तो साप्ताहिक गतिविधि कक्षा 3 और कक्षा 4 की एक जैसी हैं, सिर्फ दूरदर्शन के प्रोग्राम अलग हैं। तो हम दूरदर्शन के प्रोग्राम आपको बता देते हैं। सोमवार में हिंदी विषय में ग्रामश्री, मंगलवार में गणित विषय में संख्याएँ, बुधवार में गणित विषय में संख्याओं की तुलना और गुरुवार में इंग्लिश विषय में इन द पार्क। शुक्रवार में 2 प्रोग्राम हैं, हिंदी विषय में नन्ही राजकुमारी और इंग्लिश विषय में सुनील लर्न्स ए लेसन। शनिवार में साप्ताहिक क्विज, मोहल्ला पाठशाला में वर्कशीट दी तथा क्विज में प्रतिभाग कराया। ये आप शनिवार का स्पेशल ध्यान रखें, शनिवार में बच्चों को क्विज में प्रतिभाग जरूर कराना है। और रविवार में इंग्लिश के 2 एपिसोड वॉकअप एंड ड्राइंग कंपटीशन। कक्षा 5 का रजिस्टर देखते हैं हम। सोमवार में कोई एपिसोड नहीं और साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत हिंदी विषय में चींटी और कबूतर की कहानी और गणित विषय में किसी संख्याओं को 0 व 1 से गुणा करना। मंगलवार में गणित विषय में संख्याएं, बुधवार में गणित विषय में संख्याएं, हिंदी विषय में 2 आलसी और गणित विषय में प्रश्न पहेलिया गुणा का अर्थ एवं किसी संख्या की 0 व 1 से गुणा। गुरुवार में हमारा परिवेश के अंतर्गत जीव जंतु की रोचक बातें। शुक्रवार में कोई एपिसोड नहीं और साप्ताहिक कंटेंट में हिंदी विषय में चित्र वर्णन और गणित विषय में प्रश्न पहेलिया गुणा का अर्थ एवं किसी संख्या की 0 व 1 से गुणा। शनिवार में हमारा परिवेश के अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण और साप्ताहिक क्विज।
रविवार में इंग्लिश विषय में द आंट एंड द डॉग। तो इसमें शनिवार में जो है वर्कशीट आप दे सकते हैं और साप्ताहिक क्विज में से प्रतिभाग कराना ही है आपको। अब हम कक्षा 6 की एक्टिविटी देखते हैं। तो कक्षा 6 में सोमवार में भूगोल विषय में पृथ्वी और हमारा जीवन और साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत हिंदी विषय में मेरी माँ और गणित विषय में बीज व्यंजक। तो मोहल्ला क्लास में मेरी माँ कहानी मोबाइल पर दिखाई तथा गृह कार्य दिया। मंगलवार में गणित विषय में प्राकृतिक संख्याएं और एपिसोड 51 और मोहल्ला क्लास में आज की गतिविधि दिखाई और गृह कार्य दिया। बुधवार में गणित विषय में प्राकृतिक संख्याएं और साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी पर मानव पाषाणकाल और विज्ञान विषय में तंतु से वस्त्र तक। गुरुवार में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के परिमंडल और शुक्रवार में 2 एपिसोड हैं, इंग्लिश विषय में कबड्डी और भूगोल विषय में पृथ्वी और हमारा जीवन और साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत अंग्रेजी विषय में आई विश आई कुड और गणित विषय में बीज व्यंजक। शनिवार में 2 प्रोग्राम हैं, इतिहास में दक्षिण भारत और विज्ञान विषय में भोजन एवं स्वास्थ्य। इसमें साप्ताहिक क्विज है शनिवार का, तो साप्ताहिक क्विज के अंतर्गत आप बच्चों को अधिक से अधिक प्रतिभा कराएं। रविवार में कोई एपिसोड नहीं। कक्षा 7 के लिए सोमवार में 2 प्रोग्राम हैं, विज्ञान विषय में पौधों में जनन और भूगोल विषय में पृथ्वी और हमारा जीवन। साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत हिंदी विषय में निज भाषा उन्नति और गणित विषय में व्यंजकों का गुणनखंड। मंगलवार में गणित विषय में परिमेय संख्याएं, बुधवार में गणित विषय में परिमेय संख्याएं, ये भाग 2 है, और साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में हमारा संविधान और विज्ञान विषय में जंतुओं में पोषण। गुरुवार में 2 प्रोग्राम हैं, इतिहास में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन और विज्ञान विषय में पौधों में जनन। शुक्रवार में 2 प्रोग्राम हैं, इतिहास विषय में शेरशाह सूरी और विज्ञान विषय में लाभदायक और हानिकारक पौधे हैं, और साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत अंग्रेजी विषय में लिटिल बर्ड और गणित विषय में व्यंजकों का गुणनखंड। शनिवार में 2 प्रोग्राम हैं, भूगोल विषय में पृथ्वी और हमारा जीवन और अंग्रेजी विषय में महात्मा गांधी और साप्ताहिक क्विज। तो साप्ताहिक क्विज में वर्कशीट आप दे सकते हैं और क्विज में तो प्रतिभाग आपको कराना ही है, तो आप अपने अनुसार क्विज में प्रतिभाग जरूर कराएं। रविवार में कोई एपिसोड नहीं। अब हम लास्ट में कक्षा 8 का प्रोग्राम देखते हैं। तो कक्षा 8 में सोमवार में 2 प्रोग्राम हैं, विज्ञान विषय में फसल उत्पादन और भूगोल विषय में भारत मानव संसाधन, और साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत हिंदी विषय में सच्ची वीरता और गणित विषय में बीज व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। मोहल्ला क्लास में आज की गतिविधि मोबाइल पर दिखाई तथा गृह कार्य दिया। मंगलवार में गणित विषय में परिमेय संख्याएं और ये रीड अलोंग की कहानी सभी कक्षा की एक जैसी हैं, अंग्रेजी एपिसोड मोबाइल पर सुनाया। बुधवार में गणित विषय में परिमेय संख्याएं भाग 2 और साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और विज्ञान विषय में सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। गुरुवार में भूगोल विषय में उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन और विज्ञान विषय में फसल उत्पादन। शुक्रवार में कोई एपिसोड नहीं और साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत अंग्रेजी विषय में प्लेइंग थिंग्स और गणित विषय में बीज व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। शनिवार में विज्ञान विषय में प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र और साप्ताहिक क्विज, मोहल्ला क्लास में वर्कशीट दी तथा साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग कराया। रविवार में कोई एपिसोड नहीं। तो ये आपके कक्षा 1 से 8 तक के प्रोग्राम हो गए। तो इसी प्रकार आप रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मोहल्ला क्लास में जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं उसको आप ज़रूर लिखें। मोहल्ला क्लास में आप 3-4 एक्टिविटी करा सकते हैं, साप्ताहिक कंटेंट दिखा सकते हैं, कहानी संग्रह दिखा सकते हैं, अंग्रेजी एपिसोड दिखा सकते हैं,
इसके अलावा आप जो है कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे जोड़ की एक्टिविटी करानी है हमें तो जोड़ से रिलेटेड आप सवाल दे सकते हैं, या कोई सी भी गतिविधि करा सकते हैं, रीड एलोंग पर आप मज़ेदार कहानी दिखा सकते हैं, जो भी शेड्यूल के अनुसार है। तो साप्ताहिक क्विज का स्पेशल ध्यान रखें। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की यूज़फुल वीडियो हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। धन्यवाद।